वेलकम बैक टू स्टॉक्स पावर यूट्यूब चैनल। तो आज आप हम इंफोसिस लिमिटेड स्टॉक के बारे में बात करने वाले और लेटेस्ट अपडेट भी आप पे देखने वाले। तो इंफोसिस स्टॉक आज यहाँ पे 24 पॉइंट अप है, 1.35% अप है। आज के दिन में एक अच्छी रैली करता हुआ नजर आ रहा है। सुबह में गैप अप से ओपन होकर एक अच्छी रैली की, तकरीबन यहाँ पे अपडेट से हाई भी बनाया था 1865 का, हाई बनाया 1876, ओपन होता 1865 पे। तकरीबन यहाँ पे आप देख सकते हैं लो आज का बना चुका था 1849 का। मार्केट कैप भी देख सकते हो 7.81 लाख करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन है। टी रेशो हाई पर डिविडेंड यील्ड 1.61 है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पिछले 5 दिनों की भी बात देखी जाए तो इन्फोसिस स्टॉक ने एक अच्छी रैली की, 2% का रिटर्न दे चुका है लास्ट 5 डेज में, क्योंकि यहाँ पे पिछले कल के दिन में यहाँ पे बहुत सी गिरावट हो चुकी थी, फिर से यहाँ पे रिकवरी दिखाया है। 1 मंथ की भी बात की जाए तो 1 मंथ में यहाँ पे 7.54% का रिटर्न दे चुका है अभी तक इन्फोसिस लिमिटेड स्टॉक। तो इन्फोसिस लिमिटेड की यहाँ पे लेटेस्ट न्यूज की भी बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इन्फोसिस लिमिटेड यहाँ पे दो बोर्ड ऑन अप्रिल 13 विल कंसिडर फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर पीरियड एंडेड मार्च 2022 मीन्स एंड डिविडेंड मीन्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कि तकरीबन अप्रिल 13 को यहाँ पे आप देख सकते हैं इन्फोसिस का जो बोर्ड है वो यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट देने वाले पीरियड मार्च 2022 के लिए एंडिंग का। तकरीबन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मीन एनुअल रिपोर्ट भी दिखाएगा और उसी के साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं डिविडेंड भी पेश करने वाले की यहाँ पे डिविडेंड की बात भी यहाँ पे बताने वाले इन्फोसिस का बोर्ड तकरीबन डेट एक्ट रखे अप्रिल 13। तो ये थी लेटेस्ट अपडेट, यहाँ पे आप देख सकते हो इन्फोसिस लिमिटेड स्टॉक के लिए।